हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम होम वर्कआउट सीरीज में जो एक्सरसाइज मैं अभी कर रहा था उसको सीखेंगे। इसको बोलते हैं बर्फीस। तो बर्फी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके अपर और लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस डेवलप करने में। इसमें आपका शोल्डर से लेकर काफ तक सभी मसल लगभग पूरी इंगेज हो जाती हैं, जैसे शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप्स, कोर, थाइज, हिप, बट्स, और साथ में आपके जब आप जंप करते हैं इसी बर्फी के वेरिएशन में तो आपके काफ भी बहुत अच्छे इंगेज होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को अपने होम वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करिए। और अगर आप बिगनर हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा फर्स्ट प्रोग्रेशन से लास्ट प्रोग्रेशन बर्फी अचीव करने तक के पूरे पार्ट बताऊंगा कि आप कैसे स्टार्टिंग, जिसको बर्फी बिल्कुल भी नहीं आती है, उससे एक बर्फी के प्रो कैसे बन सकते हैं। तो पहला वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस बर्फी के फ्लो में आना है कि कैसे आप ऊपर से पूरा नीचे पुशअप पोजीशन में आते हैं और कितने फास्ट इसको कर पाते हैं पूरा डीप जाके। तो इसमें बस आपको अपने लेग शोल्डर विथ अपार्ट खोलने हैं और आप जब नीचे जाएंगे तो पूरा डीप स्क्वाट में जाएंगे, फिर पुशअप पोजीशन में आके और अपने पैर को, दोनों पैर को पीछे किक करेंगे पूरा पुशअप में आने के लिए, ठीक है। फिर पूरा वापस इसको पैर को आएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। पूरा डीप स्क्वाट पोजीशन में आना है, हाथ पुशअप पोजीशन में रखना है और पैरों को फिर पुशअप पोजीशन में ला के फिर वापस आके फिर खड़े हो जाना है। अब मैं इसको फ्लो में आपको करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है और कितने जल्दी जल्दी ये होने चाहिए। नीचे आए पुशअप पोजीशन में, खड़े हो गए। नीचे आए पुशअप पोजीशन में, खड़े हो गए। तो ये पहला प्रोग्रेशन है बर्फी का। तो इसको आप पहले प्रैक्टिस करिए। अगर आप एकदम बिगनर हैं, आपको इसका फ्लो या फिर आप इसमें थक रहे हैं करने में, तो ये वेरिएशन से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसके फ्लो में आइए। इसके 10-12 रैप करिए, 3-3 सेट के, एक दिन रेस्ट करके दीजिए, ठीक है। जब इसको आपको इसका फ्लो आने लगे तब आप सेकेंड प्रोग्रेशन की तरफ जाइए, जो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। सेकेंड प्रोग्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको इसके साथ साथ, अभी हम सिर्फ पुशअप पोजिशन में जा रहे थे, अब आपको पुशअप भी ट्राई करना है, ठीक है। तो आपको सेम शोल्डर विथ अपार्ट में अपने पैर खोलना है, पूरा डीप स्क्वाट जाएंगे, फिर पुशअप पोजिशन में आके एक पुशअप, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर पूरा नीचे जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। पहले एकदम धीरे धीरे करिए, पूरा इसके फ्लो में आइए। फिर जब आपको फ्लो आने लगे फिर इसको तेज तेज कर दीजिए, इसको ऐसे परफॉर्म करिए। तो ये है, अभी भी ये पूरी बर्फी नहीं है क्योंकि अभी हमने इसमें जंप इंक्लूड नहीं किया है। इसमें आप नॉर्मली आइए पुशअप पोजीशन में, पुशअप करिए, पूरा डीप जाना है। जब आप पुशअप पोजीशन में आ रहे तो पैर को पीछे छोड़ना, जब खड़े हो रहे फिर पैर को वापस पुशअप पोजीशन में लाके खड़े होना। तो ये सेकेंड वेरिएशन था। अब हम फाइनल वेरिएशन में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है बर्फी का। तो ये ऐसा होता है, नॉर्मल शोल्डर भी था पार्ट पूरा पैर खोलेंगे, ठीक है। नीचे गए, पुशअप पोजीशन में आए, पुशअप की और पूरा जंप करना, पूरा जितना आप जंप कर सकते हैं। अब जितना जंप करेंगे आपके लोअर बॉडी में उतना अच्छा लोड पड़ेगा और उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस अच्छे से डेवलप होगी। तो ये पुशअप का फाइनल वेरिएशन, क्या कहें, फाइनली हम लोगों ने जो बर्फी है वो अचीव कर ली पूरी। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीनों वेरिएशन आप बेसिकली स्टार्ट करिए धीरे धीरे, पूरा फ्लो धीरे धीरे करिए। फिर जैसे आप पहला वेरिएशन जो है जिसमें सिर्फ हमको पुशअप की पोजीशन में आना, पुशअप करना नहीं है, तो उसको धीरे धीरे करिए, उसके फ्लो में आने के उसको तेज़ तेज़ करिए। जब आप उसमें तेज़ तेज़ होने लगे तब सेकेंड वेरिएशन में जाइए, उसको भी धीरे से स्टार्ट करिए, फिर कुछ दिनों बाद उसमें भी स्पीड लाइए, फिर फाइनल वेरिएशन में। आई एम श्योर कि आप अगर बिगनर हैं या इंटरमीडिएट है अपने फिटनेस रूटीन में तो आप बर्फी इंक्लूड करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसको करने के बाद जैसे आप अभी मुझे देख सकते हैं कि मेरी सांस कितनी फूल रही है, तो ऐसा ही आपको फील होगा और आपका जो वर्कआउट है ना उसको करने में इसके साथ मज़ा ही आ जाएगा। और इतने जल्दी आपके बॉडीज में चेंज आएंगे, अगर फैट लॉस करना है तो फैट लॉस भी होता है और साथ ही साथ इसमें मसल बिल्ड्स पूरे ओवरऑल बॉडी में बहुत अच्छा होता है एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के साथ। तो अब ये होम वर्कआउट सीरीज़ का बर्फी सीखने का वीडियो जो मैं अभी डाल रहा हूँ, यही वीडियो, ये और इसके साथ साथ बाकी जो मैंने होम वर्कआउट वीडियोज़ डाले हैं, वो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सारे वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए, कुछ सजेशंस अपनी तो दीजिए और इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, बहुत लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिल सके जो घर पे अपने फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।